कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 4.5 साल के कार्यकाल को काफी बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हर विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहतर कार्य किए हैं। सीएम गहलोत के कार्यकाल में आमजन को कई सुविधाएं मिली है। 12 जिले में भी सीएम गहलोत ने कई सौगातें दी है। हमने जो मांगा सीएम गहलोत ने हमें दिया। वहीं मेघवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 4.5 साल के कांग्रेस के बेहतर कार्यकाल को भाजपा नहीं पचा पा रही। चुनावी साल है, दोनों ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हमारे साथ 12 अक्टूबर विधानसभा के विधायक पानाचंद मेघवाल हैं। हम उनसे बात करते हैं कि 5 साल के उनके कार्यकाल में 12 अक्टूबर विधानसभा में क्या विशेष उपलब्धि रही, क्या कार्य उनके रहे। 12 तेल फैक्ट्री का कार्य आरओबी का, जो कई सालों से उसकी मांग चली आ रही थी, वो अभी तक अधूरा है। इसके लिए कब तक पूरा होने की संभावना है सर? राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान गहलोत साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 4.5 साल में राजस्थान में चाहे कोई सा विधानसभा हो, कोई सा भी जिला हो, जो विकास के काम किए, जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई, आज राजस्थान की जनता उनको सराह रही है। बात करते हैं 12 अक्टूबर विधानसभा क्षेत्र की, तो जो 12 अक्टूबर विधानसभा क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण समस्या थी, आज 12 शहर की जो चाहे वो आरओबी तेल फैक्ट्री की बात हो, जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे इसकी जो ड्राइंग बनाई गई थी वो 4 मूर्ति से और खजुरा तरह सिंगल लेन की ड्राइंग बनाई गई थी। जब हमें इस चीज़ का पता लगा तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और उसके लिए 3 करोड़ रुपये एडिशनल सेंक्शन किए गए और आज उस आरओबी का काम चल रहा है। और मुझे विश्वास है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर के महीने में उस आरओबी को जनता को समर्पित करेंगे। इसी प्रकार से 12 शहर में चाहे वो कोटा रोड से और फतेहपुर टोल तक जो रोड जाता है वो उसका जो सीसी रोड का काम चालू हो रहा है। इसी प्रकार से झालावाड़ से जो मांगरोड रोड की तरफ जो रोड जाता है उसका सीसी का टेंडर हो चुका है, उसका भी वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, काम चालू होने वाला है। इस प्रकार से अंबेडकर से और जो अट्टू जो NH था उसका काम अभी चल रहा है वर्तमान में। तो जो 12 शहर की जो सड़कों की बात करो, 12 शहर का जो आधारभूत जो एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसको डोल तालाब के नाम से जाना जाता है, पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए 25 करोड़ रुपये सेंक्शन किए थे। इस बजट में उसके लिए 50 करोड़ रुपये सेंक्शन किए। 75 करोड़ रुपये की लागत से जो सौंदर्यगढ़ का तालाब का जो काम चल रहा है तो वो कम्प्लीट होकर तैयार होगा। तो 12 की जनता को एक ऐतिहासिक जगह, चाहे वो घूमने के लिए हो, धार्मिक स्थली के रूप में, हमारे जलजीवन एकादशी के रूप में हो, वो एक ऐतिहासिक कार्य हम लोगों ने करने का प्रयास किया गया। 12 में मेडिकल कॉलेज, क्योंकि 12 जिला राजस्थान का लास्ट बॉर्डर का जिला है। हमारे जिले से मध्य प्रदेश की सीमा चाहे वो श्योपुर हो, शिवपुरी हो, गुना हो, ये सारी जुड़ी हुई है। यहाँ पर चिकित्सा की बहुत बड़ी स्थिति है। यहाँ पर कुपोषण के नाम पर राजनीति की जाती थी, यहाँ पर शहरियों के नाम पर राजनीति की जाती थी, उसको ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज सेंक्शन किया गया। आज मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है और निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय के बाद यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं चालू होगी। तो निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे अटूर में उप जिला चिकित्सालय खोला गया हो, PHC खोली गई है, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, पशु चिकित्सक की बात करो या अन्य क्षेत्र की बात करो, सड़कों की जो बात रही, सड़कों के क्षेत्र में तो राजस्थान में शायद 12 जिले में जितना काम होगा राजस्थान में किसी जिले में नहीं होगा। हमारे गांव को एक एक गांव को 3-3, 4-4 जगह से जोड़ने का प्रयास किया गया है। गांव के लोगों ने जो जो मांगे हम लोगों से, साहब हमारे ये रास्ता खराब है, हमने वो रास्ता बनाने का प्रयास, 350 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजना का काम अभी चल रहा है। गांव में टंकियाँ बन रही है, गांव में पेयजल घर घर, हर घर जल, हर घर नल का मिशन हमारा है, वो उसका काम चल रहा है। जो जन कल्याणकारी योजना है, आज इस महंगाई के जमाने में 1125 रुपये का जो सिलेंडर मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 500 रुपये में देने की घोषणा की गई है। साथ ही जो पेंशन में भी विरोधाभास होता है, किसी को 500 रुपये मिलते थे, किसी को 750 मिलते थे, किसी को 1000 मिलते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधेयक लाकर सभी की कंपल्सरी 1000 पेंशन कर दी गई है। और उसमें एक प्रावधान और कर दिया गया कि 15% पेंशन में वृद्धि हर साल ऑटोमेटिक होती रहेगी, जिससे किसी को इस साल अगर 1000 रुपये पेंशन मिलती थी उसको अगले साल अपने आप 1150 रुपये मिल जाएगी। तो ये थे 12 अक्टूबर विधायक पानाचंद मेघवाल। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल 5 साल का बहुत बेहतर रहा और आमजन को काफ़ी राहत इस कार्यकाल में मिली है। हंसपाल यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, 12।